ये अभी ऐसा है, दिखा 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 दो। ओ हेलो भैया लोग, कैसे हो आप सब लोग? तो सुबह के अभी 10 बज चुके हैं, तो आपको 10 बजे का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो भैया अभी ऐसा है कि हम हैं छत में, अभी आज सो के उठे हैं 9 बजे, तो आए छत देख लेते हैं, थोड़ा घाम ले लेते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा था तो सोचे ऊपर जाते हैं, तो ऊपर तो अब गर्मी लग रही है, तो अब चलते हैं नीचे, खाना पीना खाते हैं, भूख लगी है तो चलते हैं नीचे। भैया लोग अभी ऐसा है कि आज मेरा है इंदौर में लास्ट दिन, तो आपको सोचा थोड़ा एक बार और व्यू दिखा दिया जाता है कि व्यू दिखा दे। भैया यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है, आपको ज़मीन नहीं दिखेगी, पूरे हर सिटी ही सिटी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ऑल टोटल सिटी। ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, हाँ दिख रही होगी, तो हाँ दिख तो रही है, ये देखिए आप चलते हैं नीचे, खाना पीना खाते हैं, भूख लगी है। या फाइनली हम रूम के अंदर आ चुके हैं लोग, ये देखो हमारे पीछे बिल्ला बढ़िया बेकाजे से देख रहा है, दर्शन करते हैं। अभी हमारे खाने में मटर पनीर की सब्जी रोटी और ये खा रहे हैं साहब जी। तो अभी हमारी पैकिंग हो रही है घर जाने के लिए, तो ये सामान डालते हैं। या फाइनली पैकिंग हो चुकी है, तैयार हो गई है और झोला। फाइनली गाइस, आज हमारे छोटे भाई जाने वाले थे, तो इन टाइम पे इनका पोपट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं खाना वाना सब रेडी है, तो ये बैग वैग भी इनका तैयार है, ये बोरिया भी है इनका एक, जो कि ये जाने वाले थे मगर बीच में मैटर। ये है गाइस कि ये इन्होंने पहले भैया को, अपने बड़े भैया को बताया नहीं था कि आज जाना है, लास्ट टाइम पे इन्होंने पूछा तो मना कर दिए वो, तो अभी साइड बैठे हुए हैं कि नहीं जा पाते हैं। ट्रेन थी अपनी 8:30, तो अभी आधा एक घंटा गाइस बचा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है, ब्लॉक पे बने रहिए जब तक। पेन के साथ पोपट हो चुका है, तो अब ये आज नहीं जाएंगे, पर टेंशन बहुत दिख रहा है, आप गौर से देखिए इस शख्स को, टेंशन तो दिख रहा है इनके चेहरे पे। हेलो भैया, शकल दिखाओ यार, थोड़ी टेंशन देखा जाए, लोग बाग देखे तुम्हारा टेंशन, ये देखिए गाइस, ये वही शख्स है, देखिए देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं गाइस। भाई के मन की शांति के लिए अब जा रहे हैं गाइस मंदिर, मंदिर घुमा दें कह के भारी टेंशन में है, इसलिए अब जा रहे हैं मंदिर, दिखाते हैं आपको मंदिर में। फाइनली गाइस, पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम आ चुके हैं मंदिर में, तो अब देखते हैं भाई पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये बालाजी का मंदिर है गाइस, भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। गाइस हम एंट्री कर रहे हैं, ये देखिए ये मंदिर अभी अभी बन के तैयार हुआ है गाइस, तो यहाँ हम आ चुके हैं। तो ये गाइस मंदिर है, अब चलते हैं इसके अंदर। गाइस हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे शंकर जी हैं। मंदिर जाने के बाद भाई में कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, अब वो सदमा से थोड़ा बहुत उभर चुके हैं, तो अब आगे का ब्लॉग वही करेंगे गाइस, तो अब चलते हैं एक और मंदिर में। तो भैया अभी ऐसा है, दिखा 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 दो। भैया अभी हमारे पास, तो भैया अभी हमारे फैंस मिले थे, तो बोले तो दिल से बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो अभी क्या है कि हमारा जाना कैंसिल हो गया था, तो हम सोचे थोड़ा मंदिर वंदिर घूम लेते हैं, तो मन की शांति थोड़ी दूर हो जाएगी टेंशन, तो चलते हैं मंदिर। क्या अभी हम मंदिर के रास्ते पर से जा रहे हैं और सामने मंदिर भी आ गई है,
तो आपको चलते हैं दिखाते हैं मंदिर और हम भी दर्शन लेते हैं। तो भैया अभी तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं माँ भादवा भवानी धाम, पर क्या है कि ताला लगा है यार, तो दर्शन नहीं हो रहा, तो हम दूर से ही उनको प्रणाम करते हैं। तो भैया आपको हम ज़्यादा अच्छे से दिखा तो नहीं पाऊँगा, पर आपको दूर से ही दर्शन किराया देता हूँ। जय बजरंगबली। तो माता रानी अंदर हैं और ये गेट में ताला लगा हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते हैं। तो भैया अभी हम दर्शन ले चुके हैं और तो अब दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं। तो जब तक आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक हम चलते हैं कहीं और घूमने। तो भैया रात में इंदौर की गलियों में निकलने में कुछ बहुत ही आनंद आता है, एकदम प्यारा प्यारा। तो भाई साहब यहाँ पर जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए। तो भैया अभी ऐसा है कि हम रास्ते से जा रहे थे और एक पार्क में कुछ बच्चे लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ये हम खेल देख रहे हैं उनका। तो ये भैया बढ़िया खेल रहे हैं उनको, हाँ यही बच्चे स्टेट खेलेंगे। खेल रहे हो, लगे रहो। तो भैया हमने सुना था कि ये मॉर्निंग वॉक होता है, इवनिंग वॉक होता है, पर यहाँ पास आंटी और अंकल जी नाइट। तो भैया अभी हम मानवता नगर में हैं और रोड क्रॉस कर रहे हैं राइट साइड जाने के लिए, तो अभी हम सोच रहे हैं कि जल्दी से क्रॉस कर लें। तो गाड़ी निकल चुकी है और रास्ता खाली हो चुका है, तो गाड़ी वाले रहते हैं गाइस, पलक झपकते आपको उड़ा दिया जाएगा। भयानक चलती इतनी तेजी से, तो अभी हम रोड क्रॉस करने वाले हैं। तो फाइनली भैया हम रोड क्रॉस कर चुके हैं और अपने साइड में आ चुके हैं। सुंदर प्यारा व्यू लग रहा है, वाह भैया वाह, खुशबू कुल्फी, बक्सा लगा कर कुल्फी बेचते हैं यहाँ भैया, गाना बजा रहे हैं बेकायदे। तो भैया अभी हम देसी अड्डे से गुजर रहे हैं, इंदौर का ये सबसे फेमस देसी अड्डा है, पता उज्जैन देवास हाईवे के नीचे। और ये देसी और विदेशी दोनों आइटम यहाँ पास मिलते हैं। भैया अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी निकल जा भैया। तो भैया अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो इतनी भयानक गंदगी आ रही है कि अब क्या बताए। इधर बगल में नाला है, पहले देखा ही नहीं था, और बदबू इतना मार रहा है कि मुंह से बोला नहीं जाता है। तो आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद। तो भैया अभी ये अंकल हमसे रास्ता पूछे, तो भाई साहब बता रहे हैं रास्ता कैसे, को मुझे तो पता नहीं है। रास्ता बता रहे थे और रास्ता बचा चुके हैं, तो अब आपसे मिलते हैं। तो मिलते कहाँ हैं, मिलते ही हैं आपसे, यहाँ गाड़ी आ जाती है ऐसे कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। भैया अब चलते हैं रूम, बहुत काफ़ी घूम लिए, बहुत कुछ आपको दिखा चुके, तो अब मिलते हैं आपसे रूम पहुँचने के बाद। तो भैया अभी हम रूम पर पहुँच चुके हैं और समोसा बन रहा है यहाँ पास, भाभी जी बना रही हैं। फाइनली रूम पर पहुंच चुके हैं और गए तो नहीं, आप तो अंदर से फीलिंग कुछ और है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूं बंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पहले लाइक करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो को शेयर करिए, फिर आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।